is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. पहले तो जब मुहूर्त होता है तो शुभकामनाएं दी जाती हैं प्रोड्यूसर को भी डायरेक्टर को भी। और सोनू बगड़ जो है वो हमारे दोस्त मोहन बगड़ का बेटा है, तो मेरे तो बेटे जैसा है। हमको बहुत खुशी हो रही कि उसका डेब्यू होने जा रहा, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनू को भी, प्रोड्यूसर को भी, डायरेक्टर को भी, हम सभी को। और मुझे खुशी है कि मैं भी इस फिल्म में काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म अच्छी बनेगी, क्योंकि हर आदमी कोशिश तो यही करता है कि अच्छी फिल्म बने। और मैं इसमें फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो इसकी उम्मीद है कि भाई ये शायद जून जुलाई में शुरू हो जाएगी। और इसकी प्लानिंग है उत्तराखंड में शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ हम जाएंगे शूट करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी फिल्म बनेगी। इस फिल्म में जो मैसेज है बहुत नया है, तक इस तरह का मैसेज किसी फिल्म में मिला नहीं है, तो इस मैसेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म के माध्यम से मिला? देखो भैया, जहाँ तक फिल्म का माध्यम है, ये मोस्ट पावरफुल माध्यम है। इसके थ्रू से जो भी कहना चाहे सब कहा जा सकता है। बाकी रही कि इस फिल्म से क्या कहा जा सकता है, इसके बारे में बहुत चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है मीडिया में कि भाई किस तरह से हमारे यहाँ के नौजवान जिनको कनाडा भागना है, बाहर अमेरिका जाना है, और डॉलरों के चक्कर में वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, जबकि अपने पंजाब में सब कुछ होते हुए छोड़ के जाते हैं। तो बट ये ट्रेजेडी है पंजाब के साथ, ये बहुत सालों से हो रही है, अभी भी हो रही है। आई होप कि ये कुछ लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन लगता थोड़ा मुश्किल है। आज उनका मुहूर्त हुआ, अभी पार्टी हम लोग मना रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि आज मतलब आज फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया? शरद जी ने आशीर्वाद दे दिया, रंजीत साहब, जॉनी भाई आप आए, बहुत सारे लोग आए आशीर्वाद देने, क्या कहना चाहिए? अच्छा लगता है, आज बड़े जमाने बाद इस किस्म का मुहूर्त देखा जिसमें भीड़ थी, मीडिया था, यार दोस्त थे, और धर्म जी जैसे दिग्गज आए, आशीर्वाद दिया उन्होंने, फिर गोली साहब भी आए, गुलशन भी आया, जॉनी भाई भी आए, सारे पुराने यार दोस्त है इसी बारे इकट्ठे हुए, तो मज़ा आया। इस किस्म का मुहूर्त अभी देखने को मिलता नहीं है, तो कुछ पुरानी यादें ताज़ी होगी, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मैं जब ही आया था बम्बे में, मैं फाइटर था, आज मेरी बेटे की पिक्चर का मुहूर्त हुआ और हीरो है, बहुत फख्र की बात है। आज ऊपर से मेरे जो बड़े भाई है, उनके 55 साल से उनके मैं साथ में हूँ, धर्म जी के साथ में शुरू से उनका आशीर्वाद रहा है, आज वो भी आए आशीर्वाद देने के लिए, तो मेरा तो आज दिल बाग बाग हो गया। हम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। सर जैसे आप फिल्म में एक्शन करने वाले हैं, तो इतने फिल्मों में आपने एक्शन किया है, इस फिल्म में नया कोई एक्शन आप लाएंगे? जैसे साउथ में जैसे यहाँ जमीन में मारते धूल उड़ता आदमी उड़ जाते हैं, नहीं कुछ नया एक्शन प्लान हो रहा है? करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, सिचुएशन अच्छी होगी तो एक्शन भी अच्छा होगा। इस पिक्चर में सिचुएशन है ऐसी, तो ये जो लूटते हैं ना आजकल के लोग, एजेंट लोग गरीबों को लूटते हैं, तो उनकी दुराई करनी है हमको, तो वो ऐसा एक्शन जमाएंगे उड़ते हुए नजर आएंगे वो लोग। अच्छा कोई कहानी बताइए धर्म जी के साथ, ऐसा कोई एक्शन हुआ हो जो तुरंत हो गया हो या बहुत टाइम लग गया हो, ऐसी कोई कहानी बताइए? धर्म जी के साथ मैंने 15-20 फिल्में की है, उनके साथ में बड़ा मजा आता था,
धर्म जी है तो हमारे बड़े भाई, हम तो बच्चे हैं उनके, लेकिन हमको उनको बड़ा पटाना पड़ता था, पाजी ऐसे 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 बहुत, जैसे वो बच्चे हैं तो बच्चों के जैसा उनको पटा रहता था, पट जाते थे पाजी और जो बोलते थे करते थे एक्शन। नहीं कोई ऐसा एक्शन जिसमें कोई तकलीफ हुई हो? तकलीफ तो ऐसी हुई नहीं कुछ, तो मैंने उनके साथ में पहली पिक्चर क्रोधी की थी, तो वो तो मैं स्टार हो गया उस पिक्चर के बाद में, शोले के साथ में कंपेयर हुई थी क्रोधी, तो पिक्चर तो इतनी बढ़िया नहीं गई, लेकिन क्लाइमेक्स बहुत अच्छा हुआ था, धर्म जी ने बड़ा हमको वो किया, पुश किया, और धर्म जी के साथ मैंने 15 फिल्में की है, वो अभी भी मुझे बच्चा समझते, कोई भी मैं उसको उनके साथ में एक्शन करने जाता हूँ बोले बेटा ये कर लेगा, ऐसा है वैसा है, अभी मुझे बच्चा समझते, तो ऐसा ही है, पाजी के साथ में बड़े प्यार से बहुत मोहब्बत से काम करना पड़ता है और वो करते हैं जो बोलो करते हैं। और ये जब कोई फिल्म आती है, कोई सिचुएशन आता है, हाँ जी, उसमें एक्शन के लिए कैसे सोचते हैं कि इस फिल्म में ये एक्शन अच्छा लगेगा, ये एक्शन अच्छा लगेगा? तो जो कहानी एक तो बढ़िया होनी चाहिए, सिचुएशन अगर अच्छी होगी, तो मैंने पहले भी बोला कहानी पर, जैसे नाम पिक्चर थी, नाम में एक ही मुक्का मारता आदमी को तो तालियां पड़ती है, तो जितनी मेरी अर्जुन पिक्चर थी उसमें बहुत अच्छा एक्शन था, अभी तक लोग कॉपी कर रहे हैं, उसमें मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था, मेरी एक राम जाने थी शाहरुख खान के साथ में, उसमें भी बेस्ट एक्शन था, नाम में भी बेस्ट एक्शन था, वर्दी पिक्चर थी उसमें भी नयापन था, उसमें करोड़ के अंदर हेलीकॉप्टर घुस जाता है आके, तो कई बार सिचुएशन लेके आओ तो बढ़िया सारा कुछ होता है। इस फिल्म में जो डायरेक्टर साहब है, कहानी मैंने सुनी, कहानी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, सोनू को भी अच्छी लगी, तो ये चलने वाली फिल्म है, धर्म जी को भी आइडिया सुनाया हमने, तो उनको भी बहुत अच्छी लगी। ये लोगों का प्यार थे, दरपा जी का प्यार है, देखते बनता था, उनने जो हमको असीसा दतिया ने जड़िया है ना, आके उन्होंने एक जिमें चंद्रमा देखते ना अपन, मुख ऐसा खिड़िया हुआ है ना, फुल वांगू जो है वो देख के बहुत मजा आया जी, जो उन्होंने असीसा दतिया कह नहीं सकते। तो आपकी पहली मेरे को शब्द नहीं है, आपकी पहली फिल्म है, तो कैसा लग रहा है, फिल्म का मुहूर्त हो गया, फिल्म में बहुत अच्छा मैसेज लेके आ पा रहे हैं? बहुत वधिया लग रहा सर, जिन्ना प्यार मिल रहा वा इतने सारे मिलके घुल मिलके कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा वधिया लग रहा। फिल्म के डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो डायरेक्टर साहब भी लेके आने वाले हैं जी, मैंने इस लाइन के बच्चे बहुत अच्छे इंसान भी है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है और बहुत सुलझे हुए इंसान है जी। सोनू बगड़ का काम किस तरह लग रहा है? सोनू बगड़ जी का काम बहुत वधिया वा, उन्होंने जेडे कल भी उन्होंने नाल ही रहे हैं, तो काफ़ी उन्होंने कैमरे के मूहरे काम किया, तो अज भी जोड़ा है वो आने वाला स्टार आ जी, वो आने वाला सुपर स्टार ने। थैंक यू सो मच। देखिए सारी चीज़ें तो हम बता नहीं पाएंगे, ना बतानी चाहिए, कहानी तो हम बताएंगे नहीं तो फिर दर्शक जो हैं वो देखेंगे क्या। सो कहने का मतलब ये है कि ये इस लाइन में, इसमें, इस कहानी में, ट्रेवल एजेंट में मैं ये सोनू बगड़ के फादर का रोल कर रहा हूँ, यानी कि आप जानते होंगे मोहन बगड़ हमारे बहुत ही पुराने, बहुत ही मित्र हैं, प्यारे। खैर दूसरा धर्म जी और सोने पे सुहागा ये हुआ कि धर्म जी ने मुहूर्त क्लैप दिया और ये बहुत बड़ी बात है, ख़ास करके पंजाबी फिल्मों के लिए, पंजाबी फिल्म के लिए, और मेरा ख्याल है आधा पंजाब, मैंने कई बार धर्म जी से भी ये बात, ये जिक्र किया हुआ है कि भी आधा पंजाब तो सिर्फ आपको देख करके ही आया, मैं बल्कि दूर कहाँ जाए, मैं खुद उनको देख करके आया था, उस वक्त मैं क्लीन शेप था, तो पंजाबी की मैंने 35 फिल्में एज हीरो की हैं, उस वक्त क्लीन शेप था। उसके बाद मेल करा दे रब्बा, गुगनू यानी कि हरमीत जी के लड़का, उन्होंने शुरू किया और ये फिल्म मेरे को दिलवाई थी बिन्नू ढिल्लो ने, मैं यहाँ पीपट साहब की फिल्म कर रहा था, कमलजीत ने वो रोल नहीं किया, वो बात अलग है कि अभी
रविंदर पीपड़ जी इस दुनिया में नहीं रहे, मगर हमारे साथ बहुत प्यार हो गया था। वेलकम टू पंजाब फिल्म का नाम था, तो वहाँ से मेरी वैसे ही शुरुआत हुई। तो वहाँ दाढ़ी रखवा दी उसने, गुगनू ने, बोलो माल साहब इसमें आपकी दाढ़ी लगेगी और आप नीरू बाजवा के फादर का रोल कर रहे हैं, तो जिमी शेरगिल हीरो है। जो शुरुआत हुई आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा नहीं तो पौने 200 के करीब तो मैंने फादर के रोल किए। 5 फिल्मों में तो मैंने नीरू बाजवा के फादर का रोल किया लगातार। और आपको एक और ताज्जुब की बात है कि दलजीत दोसांझ आज हिंदी फिल्मों में छाए हुए हैं, तो उसमें सिर्फ एक सीन था दलजीत का, लास्ट में वो हॉकी लेकर के आता है जैसे ही फिल्म खत्म होने लगती है। और उसके बाद जिन्हें मेरा दिल लुटिया, उसमें दो हीरो थे, दलजीत और गिप्पी गरेवाल। फिर मेरा स्टार्ट हो गया होते 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 आज आपके सामने बैठे हुए हैं और ट्रेवल एजेंट कर रहे हैं। और मज़ेदार बात है कि जो इसके डायरेक्टर हैं बलजिंदर सिद्धू, इनके साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। और एक फिल्म थी उसमें मैं हीरो था, उसका नाम था चढ़दा सूरज, और ये बनी थी 1994 में। तो उस फिर अभी जाकर के 2000 समथिंग में, कुछ याद नहीं आ रहा सन मेरे, उसमें मैंने हीरो के फादर का रोल किया। तो मेरे इनके साथ पुराने ताल्लुकात अच्छे हैं और ही नोज हिज जॉब वेरी गुड, बलजिंदर जो सिद्धू हैं डायरेक्टर इसके। और मज़ेदार बात है इसमें नजीब भाई भी हैं और इनके साथ मैंने कुछ 7-8 फिल्में की हैं। कहने का मतलब है कि बस कारवां चल रहा है, हम भी चले जा रहे हैं। और ये ट्रेवल एजेंट है और ये हमारे पंजाब की कहानी के साथ बहुत मेल खाती है। मीन्स आजकल जितना पंजाब के जितने यंग जनरेशन है ना, भाग रही है बाहर भाग रही है, खास करके कनाडा, इतने चले गए, हजारों नहीं मैं तो यही कहूँगा कि लाखों चले गए यहाँ से, पंजाब से, और जा रहे हैं। तो हम अपनी कहानी के इस जरिए से हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे। वी डोंट गो यार, हिंदुस्तान खाली हो जाएगा। तो पंजाब तो मेरा ख्याल है आपको मालूम ही है, किसी वक्त नंबर 1 होता था, आज पता नहीं कौन से नंबर में। और एक और मज़ेदार किस्सा ये है कि आज के जो CM है भगवंत मान, इनके साथ मैंने 2 फिल्में की, और एक फिल्म थी मैं माँ पंजाब दी, उसमें मैं हीरो था, दारा जी भी थे उसमें, और ये जग्गी और भगवंत मान कॉमेडियन होते हैं। और सेकंड फिल्म की इनके साथ मैंने गुरदास मान जी की सुखमणी, उसमें मेरा ब्रिगेडियर का रोल था और ये मेरा ऑर्डरली होता है। मतलब उन दिनों में भी ये कहानियां सुनाता होता था, स्टायर देता था, ये जितने भी है आज भी लगा हुआ है। मेरा तो ख्याल है भगवान उसको तरक्की दे, और इसी तरह से वो कोशिश कर रहा है, हम सब साथ में। और अभी MP के रोल के लिए हमारा एक और इसी के साथ का इसका मित्र बहुत क्लोज, करमजीत अनमोल, वो MP के लिए अभी हम जाएंगे, जा कर के हमने 2-3 दिन उसके साथ जब से कैंपेन करने के लिए। सो इस तरह से कर रहे हैं, अब देखते हैं ऊपर वाला कहाँ तक कब तक काम करवाता है। 350 के करीब मैं प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, तो और कुछ जानना चाहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि अभी किताब खुली या पढ़ देनी मैंने तो। नहीं, मेरे को बहुत ऑफर आए, मैंने TV भी किए, मैंने मेल करा दे मीत मिला दे रब्बा, सोनी का TV वो था, शो था, मैंने हीरोइन के फादर का किया, 1 साल चला था, और रजा मुराद जी हीरोइन हीरो के फादर थे, मैं हीरोइन का 1 साल चला। मगर जो आर्टिस्ट को निचोड़ देते हैं ना ये लोग, अभी नहीं हम कर पाएंगे, नहीं सॉरी, मेरे को 2-3 छोड़े मैंने। एक 200 एपिसोड का किया था हमने, पंजाबी का था, फिर उसका नाम था कच्च दिया वांगा सीरियल, 13-13 सीन यार एक दिन में, नहीं अब नहीं होते, 13 सीन टू मच। सो लेकिन वहां पे
क्वालिटी छोड़ देते हैं दो चार पांच एपिसोड लेने के बाद, जब उसको पुशअप मिल जाता है, पब्लिक देखने लग जाती है, तो वो पैसा बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। मैं तो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो क्वालिटी को गिरा देते हैं। और थैंक यू वेरी मच, लगे रहो मुन्ना भाई। हम तो यही कहेंगे, पर मैं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीरियल्स, दैट्स इट। सर मेरा ख्याल है कि फॉर द लास्ट 40 इयर्स मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और कभी कभी इस तरह के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या न्यू कमर्स से मुलाकात होती है, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। आज मुझसे मुझे ऑलमोस्ट वही फीलिंग हो रही है कि मैं एक अच्छे प्रोड्यूसर, अच्छे डायरेक्टर और अच्छा जो न्यू कमर है, हीरो हमारा सोनू, ऑल द बेस्ट मैं कहूँगा उन सबको। बहुत ही नहायत ही अच्छे लोग हैं और डेडिकेशन से वो अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, तो मैं तो उनको गुड विशेस दूंगा कि इस तरह के जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं, उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। करण जी ने आके आज मुहूर्त क्लैप दिया और आशीर्वाद दिया, बहुत खुश हुए, बहुत दिल से खुश थे, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? अरे बहुत ही अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। हालांकि मैंने धर्म जी के साथ काफी अरसे पहले एक हमारे गिपी गरेवाल की फिल्म थी डबल द ट्रबल, उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी, हमारे दो तीन सीन्स थे इकट्ठे जिनमें हम सिर्फ हम दोनों ही थे, और मुझे वो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी जब उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला था, तो तब भी मुझे इतना अच्छा फील हुआ, आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड, क्योंकि बचपन से ही हम धर्म जी को देख रहे हैं। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हंसी मैं जो आनाम की फिल्म आई थी, और शायद हमने उस वक्त उस एज में 5-6 बार तो देखी होगी, और हम क्या है वो जब वो सॉन्ग आता था तुम हंसी मैं जो, या उनके और डिफरेंट कॉमिक सीन थे, बार बार देखने को मन करता था कि इतना हैंडसम आदमी हमारा हीरो धर्म धर्मेंद्र, तो पता नहीं था कि उस बचपन में देखा हुआ हीरो के साथ बाद में काम करने का भी मौका मिलेगा, और आज फिर वो ऐसा बढ़िया दिन आया कि हमारा मुहूर्त शॉट वो दे रहे थे, तो रियली थैंक टू गॉड, तो इस तरह के लेजेंड के साथ हमें उनके प्रेजेंस में भी काम करने का मौका मिला, सो डेफिनेटली फीलिंग गुड कि मैं जिस टीम के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें सुरेंद्र महाल जी हैं, लड़की पूनम सूद है, बलजिंदर छुद्दू जी, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा, ही इज वेरी डेडिकेटेड। मैंने फर्स्ट फिल्म जो पंजाबी की थी पंजाबी इंडस्ट्री में, दैट वाज इन 1992, दैट वाज इंसाफ पंजाब दा। इंसाफ पंजाब दा में योगराज हीरो थे, मैं उसका मेन विलन था, तो ये सिद्धू साहब वहाँ पे एडी थे, और उस वक्त ही मैं देखा मैंने थे ये इतना डेडिकेशन से काम करते थे, हार्ड वर्कर थे, और आज उन्हीं के डायरेक्शन में मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जी एक्चुअली मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने आज ये दिखा दिया कि एक आर्टिस्ट चाहे शुरुआत करे और उनके साथ हम सब हैं, तो मतलब कि ये कह सकते हैं कि हमें भी एक सीख मिलती है कि हम किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, अगर हम नए बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं तो उनकी एक हौसला अफजाई होती है कि वो आगे बढ़े, तो मेरे लिए तो आज इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि धर्मेंद्र जी जब आप आए तो उनका बिहेवियर और उनका जो टेंट्रम कुछ भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि जिसको देख के लगे उनमें एटीट्यूड था या उनमें ऐसा कुछ था, इतना प्यार से इतना हम्बली उन्होंने हमें ट्रीट किया, तो लगा हमें कि कभी हमारे मन में कभी गुस्सा भी आता है तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और आज जो मुहूर्त था, बाकी हमारी पूरी टीम, बलजिंदर जी जो हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर जी, उन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया था कि हमें ये लग रहा था ये माहौल शादी का माहौल है, मुहूर्त का माहौल नहीं है, पर इतना अच्छा मैंने पहले ऐसा मुहूर्त कभी देखा ही नहीं। अपने रोल के बारे में और सोनू के साथ केमिस्ट्री, आप लोग जो कल फोटोशूट किया था, सोनू के साथ मुझे मिलके ऐसा लगा कि जैसे मैं उसे बहुत टाइम से जानती हूँ, क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिलके शूट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि कई बार क्या हम मजाक भी कर लेते हैं, और मुझे लगता है ये वाला जो दौर है ना हमारा, जो केमिस्ट्री बनी है, वो आगे जाके बहुत अच्छा रंग लाएगी। पहले तो बहुत खुशी हुई मुझे कि धर्म जी आए, मुझे हमेशा ही ब्लेसिंग देते हैं वो,
कुछ भी ओकेजन हो, मेरा बर्थडे हो, कुछ भी फिल्म का, मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। और आज मुहूर्त है, मेरी पहली पंजाबी फिल्म है, तो सुबह से लेके अभी रात हो गई, हम पार्टी में आ गए। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आया कैसा हुआ, इतना फटाफट सब कुछ हो गया, ठीक है, एवरीथिंग वेंट सो फास्ट। और बस आई एम हैप्पी, वो वाहेगुरु जी ने सब ठीक कर दिया, यू नो, सो तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। और पहली बार में मतलब मैं बहुत सारे हम लोग ने मुहूर्त देखे हैं, मुहूर्त के पहले अरदास की गई और बहुत धार्मिक तरीके से और बहुत पवित्र तरीके से शुरुआत हुई है, तो इसके लिए कैसा लगा? जी ऐसा है कि हम कुछ भी हमारे रिलीजन में ऐसा होता है कि हम कुछ भी अच्छा काम करने के पहले अरदास करते हैं, बिना अरदास की हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो बस वो एक है कि बिना अरदास के कुछ नहीं करते, तो ये तो सब बहुत अच्छी चीज़ थी। जो मेरी पहली फिल्म थी, मुहूर्त शॉट था, तो वो तो बनता ही था। हमने सुना को एक्ट्रेस आपकी जो है वो बहुत तंग कर रही थी आपको मुहूर्त पे। अरे मत पूछिए, उसने मुझे इतना तंग किया है ना, ठीक है, अभी मैं क्या बोलूं उसके बारे में, लेकिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत हेल्प करती है मुझे। और आज सुबह उसने मुझे डराया, और मैंने एक चीज मेरे मुंह से निकल गई जो मैं बोल नहीं सकता, तो आज सुबह से लेकर रात तक मुझे उसी चीज के बारे में तंग कर रही है मुझे, बट शी इज ब्रिलियंट। मैं अपना पहले तो अपने दर्शकों नु, मेरे मीडिया पार्टनर जेडे मेरे नाल वर्कर जुड़े ने, मैं उन्होंने सत श्री अकाल आखदा। और ये फिल्म जी है एक ट्रैवल एजेंट जर्नी की कहानी है, यानी कि जी आम असी अपने बच्चे है जोड़े वो अजकल पढ़न तो बाद उन्होंने सोच किस तरह बदलती है, क्यों बदलती है, और किस तरह वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं भी मैं असी बाहर जाना चाहते हैं, भी बाहर कुछ नहीं है, इतें ही रखे है। तकरीबन साढ़े जेडे पंजाबी लोगों के अपना घर ने या पिंड ने वो खाली हो चुके हैं, तो वो सारे सैटल बाहर ही ने, लेकिन बाहर के जाने के नाल कई उन्होंने कठिनाइया करनिया पैंदिया, और उस बाद वर्क करने पैंदे इस तरह के कि खुद रोटी भी नहीं खाते, 12-12, 24-24 घंटे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो मैं यही सब नूं कहांगा कि अपने पंजाब के कल्चर नाल भी प्यार करो, अपने फैमलियां नाल प्यार करो, वड्डियां दा आदर करो, और जो भी एक दूजे की मदद करो। और इस तो इलावा ये फिल्म जिहड़ी है एक जर्नी की कहानी भी, चलो असी मैसेज भी देना चाहते हैं आम ऑडियंस को कि अपना जिहड़ा भी ये प्लान सोच रहा है वह सोच के मतलब सोचे भी उन्होंने पहले 10 बार फिर उन्होंने अगे प्लान करे, क्योंकि नुकसान भी होंगे ने, फायदे भी ने, कई एजेंट है जोड़े वो सानू गलत भी मिलते हैं तो सही भी मिलते हैं, वो पड़ताल करके या वो पुण छाण करके फिर कदम बधाओ। असी ऐड पढ़ते हैं, ऐड पढ़न के नाल किसी वर्क नहीं मिलता, या जो एजेंट गलत पेपर लगा देंगे है वह घुमाते हैं, यूनीवर्सिटिया के गलत पेपर दे देंगे ने, वो पैसे रख लेंगे तो फिर माँ प्यो में कठिनाइया वरतनिया पैदा उस चीज़ दया, वो दौर च निकलना पैदा है। तो इस करके मैं सबनों एडवाइस देना भी इस चीज़ों तो दूर रहो, और अपने फ्यूचर का ध्यान रखो, एजुकेशन का ध्यान रखो, आप मेहनत उत्थे भी करनी है, इत्थे भी करनी है, तो अपने फैमलिया च रवो, राजी खुशी रवो, खुशहाल रहना चाहिए। तो ये फिल्म का जोड़ा मैटर इसी पर निर्भर करता है। तो बाकी मैं स्टारकास्ट बहुत अच्छी, रघु गिल साहब और रशविंदर महल जी, नीटू पंदेर जी, और अपना होर भी सोनू बगड़ है, प्रभ गरेवाल है, और पूनम सूद है, काफ़ी मल्टी स्टारकास्ट पंजाब के पुराने बजुर्ग भी मैं कट्ठे कर ले है, जो मेरे रिलेशन दे सी, अपना विजय टंडन साहब, जुगनू जी, होर भी कई लोग ने मेरे नाल जुड़े ने, और नजीम खान जी DOP ने मेरे, और राइटर डायरेक्टर मैं थोड़े सामने बैठा, तो बाकी कुछ लोग मेरे नाल टेक्निकल जुड़े ने, मैं सब का शुक्र अदा करना भी मेरे नाल अज फिर भी कंधे ना कंधा ला के जुड़े ने, खुड़े ने, और धर्मपा जी ने क्लैप किया, और साढ़े पंजाब की शान ने, वो गभरू ने साढ़े पंजाब के, ते मैं धर्मपा जी की फैमिली और सारे का मैं शुक्रिया अदा करना, देओल फैमिली का और सारे अपने मेहमाना का, और सनी सुपर साउंड के जो अज रंगारंग कार्यक्रम होया, मुहूर्त होया, वो सारे लोग यही तारीफ करते भी अज पहली बार असी पंजाबी इंडस्ट्री के इस तरह का माहौल देखा ज मुहूर्त देखा, तो मैं सब का आए मेहमाना का शुक्रिया अदा करना, थैंक यू बोलता, तो अपनी केयर का सेहत का ध्यान रखो, और बी केयर टेक केयर। देखो जी, पहले तो सबसे अच्छी बात है कि जो टाइटल है पिक्चर का, ट्रैवल एजेंट,
बहुत अच्छा टाइटल है ये। कई बार जब तक हम टाइटल के साथ नहीं बिहेव करते, फिल्म कोई भी पिक्चर है, सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही आता है माइंड में कि टाइटल क्या है, ठीक है ना। अगर टाइटल बढ़िया है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि हाँ अब इस पिक्चर में देखते हैं कि इस पिक्चर की डायरेक्शन क्या है, इस पिक्चर में गाने कितने हैं, इस पिक्चर का म्यूजिक कैसा है, इस पिक्चर में लिखा किसने है, इस पिक्चर में एक्ट कौन कर रहा है, वो सब बातें सब बात की है। सो तो इसके जो गाने हैं, एक तो बहुत ही बढ़िया मुहूर्त हुआ जिसमें बहुत गुणी लोग और बहुत बड़े एक्टर्स जो हैं हमारे बॉलीवुड के, धर्मपाल जी हुए, जंजीत जी हुए, तो अवतार गिल जी ने और काफ़ी सारे एक्टर जिहड़े जिन्होंने शमूलियत की थी। सो पहले तो आ ही साढ़े लिए बहुत माण वाली गल है कि इन्ने वे एक्टर इतने मुहूर्त पहुँचे। सो मेरे लिए माण वाली गल क्या है, हिंदी में बात करूँ पंजाबी में बात करूँ एक ही बात है, चलो हिंदी में बात हम करते हैं कि हम, मेरे लिए एक बहुत एक प्राउड वाला मोमेंट ये है कि मैंने कम से कम 150 पंजाबी म्यूजिक फिल्मों का म्यूजिक कर लिया और 3000 से ऊपर मेरे यूट्यूब में गाने हैं। सो लेकिन ये पिक्चर का मुझे क्या है कि मान ये महसूस होता है कि इसका एक तो टाइटल बहुत अच्छा है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे बलजिंदर सिद्धू जी, तो उन्होंने पूरा जो एक पिक्चर जब मुझे सुनाई उन्होंने तो मुझे लगा कि इसके गाने जो है बहुत बढ़िया होने चाहिए और गाने से ही फिल्म अप्रिशिएट होती है। सो गाने कोशिश की है बढ़िया गाने बनाए, सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाए। जो मैं बात करना चाहता था सबसे पहले कि अब पंजाबी फिल्म में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि गाने जो होते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से गाने नहीं होते हैं। जो भी हम गाना देखते हैं यहाँ से उठा लिया यहाँ से उठा लिया, वो गाना ऐसा लगता है कि जैसे एल्बम का गाना है तो हमने फिल्म में उसको क्लिक कर दिया, तो वो एक 70 mm पर्दे के ऊपर वो गाने की वो विजुअलाइजेशन और वो गाना कनेक्ट नहीं करता कई बार। सो हम ये कोशिश करेंगे कि वाकई लोगों को ऐसा लगे कि ये गाना फिल्म का गाना है, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि गाना आया तो चलो पॉपकॉर्न खा ले या वॉशरूम होके आ जाए, ऐसा ना लगे। सो इस हिसाब से हम गाना बनाएंगे और गाने कुछ बनाए भी हैं और गाने बढ़िया बन रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं, एक टीम वर्क के तौर पे गाना काम कर रहे हैं। गुरमीत जी ये बताएं कि 6 गाने हैं फिल्म में, सिंगर्स कौन कौन सोचे हैं अभी तक आपने जिसको आप गवाना चाह रहे हैं? देखिए ये जो सिंगर्स का जो होता है वो हम इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि जब गाने एक बार सब स्क्रैचेस और डमीज उसके तैयार हो जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि अब इसमें इस गाने के लिए कौन सा सिंगर एप्रोप्रिएट होगा, कौन सा सिंगर इसमें सूट करेगा, किसकी कनेक्टिविटी बढ़िया होगी। सो उस हिसाब से अभी हम गाना सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे कि हम कौन कौन से सिंगर मतलब इसमें करेंगे, लेकिन अभी तक यही है हमारा कि इसमें वो सिंगर होंगे जो एक पंजाब के मशहूर सिंगर हैं, फेमस सिंगर हैं, जो सिंगर चल रहे हैं तो उनको हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सर आप फ्लैशबैक में चले, आपकी जर्नी के बारे में मुझे तो नहीं पता लेकिन आज ही आपकी बातों से पता चला, इतने सारे म्यूजिक बनाए, 3000 से ज्यादा गाने यूट्यूब पर हैं। जी जी जी, ऐसे कोई 3 बेहतरीन सॉन्ग जो आपके सबसे दिल के करीब है वो? देखिए एक तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि शायद लॉन्ग लाची से बड़ा गाना तो कोई भी नहीं होगा पंजाबी इंडस्ट्री में, तो वो गाना मैंने बनाया है, ठीक है। सो वो जो गाना है वो इस वक्त यूट्यूब पे जो पहला वो गाना हुआ था जो 1.5 बिलियन गाना हुआ, सो मतलब मुझे लगता है कि शायद बॉलीवुड में भी क्या ले लो कि एशिया में भी कोई गाना पहली बारी बिलियन जो गाना हुआ था वो लॉन्ग लाची जो गाना था वो मेरा हुआ था। उसके बाद बहुत सारे गाने हैं, मुकलावा पिक्चर का गाना था एमी विर्क का, उनका गाना वांग द नाप, तो उनकी स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया है। अभी एक रिसेंट एक गाना मुझे कनेक्ट हुआ, एक गाना रील्स पे बहुत ज़्यादा हिट हुआ वो सागर दी वोटी करके, तो वो गाना भी मेरा था, 2005 का गाना था, तो वो इतना ज़्यादा रील्स पे मुझे कहता कनेक्ट हो गया, लोगों ने इतना उस गाने को रील्स पे प्रमोशंस दिया कि मुझे लगता है कि एक उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी कि इस गाने ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया। सो काफ़ी सारे गाने हैं इस तरीके, ये तू लौंग भी मैं लाची तेरे पीछे आ गवाची, वे तू लौंग वे मैं लाची तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया संदली संदली
नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया वे तू लौंग वे मैं लाची तेरे पिछे अगवाची वे तू लौंग वे मैं लाची तेरे पिछे अगवाची तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी वे मैं चंबे दे पहाड़ वाली शाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया वे तू लौंग वे मैं लाची तेरे पिछे अगवाची अच्छा वो मुझे पूरी तरह याद है वो सागर दी वटी लैंदी इंडिका चला सागर दी वटी लैंदी इंडिका चला इमीजिएटली ये कोई मेरी मजबूरी ये छेती दे डरावरी सिखा सो ऐसे गाने भी हैं जो आपको कई बार पता है ये मैंने 2005 में टी सीरीज के लिए गाना किया था सागर दी वटी उसका टाइटल था मुंडा होण दियां पुड़ियां सो पता नहीं ये गाना कहां से निकल के आ गया और इतना हिट हो गया तो वो जो मैं बता रहा कि इंटरनेट उस गाने ने ब्रेक कर दिया रील्स में सो माण वाली गल है पंजाबी जिहड़े पंजाबी ने वो इस बहुत सारे गाने नु इन्ना माण देंदे है बहुत सारा गाने नु इतना चुक के अगे लेके आ जांदे है कि जिहड़ा कई वारी तुसी सोच भी नहीं सकदे मतलब जिदा लौंग लाची नु 1.5 बिलियन तो उत्ते गाना चला गया और लौंग लाची 2 गाना जिहड़ा है वो भी 70 मिलियन अबव ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਆ ਵੰਗ ਦਾ ਨਾਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾਪ ਵੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾਪ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਸੋ ਐਸੇ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੇ ਜੋ ਗਾਣੇ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏਗੇ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏਗੇ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦੋ उससे आगे क्या होता मुझे नहीं पता ट्रिलियम उससे ज्यादा गाने जाएंगे थैंक यू सो मच जाते जाते गाना ऐसा होना चाहिए इसमें एक्शन भी हो पकड़ है सो बहुत बहुत खुशी वाली बात है बहुत अच्छे एक्टर हैं बीच में एक्टर एक्ट्रेस बहुत अच्छे हैं और कमाल की बात है कि वो लोग इसमें जुड़े हैं लेजेंड बहुत सारे पर्सनैलिटीज जुड़ी हैं लेजेंड डायरेक्टर हैं काम करने वाले बंदे हैं और सबसे बड़ी बात यही होती है पिक्चर में कि वो बंदे काम कर रहे हैं जो फिल्म को फिल्म समझते हैं ये नहीं समझते कि फिल्म बना दी ठीक है फिल्म का आगे क्या है फिल्म वो होती है जिसकी एक एक चीज डिसाइड हो वो पिक्चर नहीं होती जैसे आजकल हम लोग काम करते हैं मुझे भी पता है कि हम लोग रोज काम करते हैं डायरेक्टर कहते हैं हमें कि हाँ जी परसों गाने की शूटिंग है कल गाना मिल जाएगा थैंक यू सो मच